बलरामपुर में करीब 1 वर्ष पहले थाना हरैया क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार मणिपुर में आई नेपाल की 6 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जयेंद्र पाल सिंह ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 1 आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। दोषियों को 50-50 हजार जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना न अदा करने पर 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा भुगत होगी। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि 26 जून 2022 को नेपाल राष्ट्र के जिला दांग क्षेत्र के ग्राम बैरवा इलाका निवासिनी एक महिला ने थाना हरैया में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप लगाया कि 26 जून को हरैया थाना क्षेत्र के मणिपुर बाजार में उसके गांव की 6 लड़कियां 5 साइकिल से बाजार करने जंगल के रास्ते मणिपुर जा रही थी। बीच जंगल में दिन में करीब 10 बजे आरोपी चंदर उर्फ रामचंद्र और उसके साथी राजेंद्र, राकेश व पिंटू निवासी गढ़ जयरामपुर खादर थाना हरैया लड़कियों को जबरदस्ती पकड़कर जंगल में उठा ले गए। पिछले वर्ष जनपद बलरामपुर के थाना क्षेत्र हरैया में एक गैंग रेप की घटना घटित हुई थी, जिसमें नेपाल राष्ट्र की कुछ युवतियां जो मणिपुर बाजार में खरीदारी के लिए आई थी और जब वो जंगल के रास्ते आ रही थी तो उनके साथ 4 लोगों के द्वारा गैंग रेप किया गया तथा छेड़खानी की गई। उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। समस्त साक्ष्य संकलन करके माननीय न्यायालय में 4 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था और तब से ही लगातार प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें हम लोगों ने लगातार पैरवी की और सभी साक्ष्यों को, सभी गवाहों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। हिंदी अंग्रेजी माध्यम प्री नर्सरी से कक्षा 5 तक BKS कॉन्वेंट स्कूल, सर्वोत्तम किड्स केयर, स्वाभिमानपुरम, तुलसीपुर रोड, बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9415036020। हमारी विशेषताएं खेल की आधुनिक तकनीकों द्वारा कंप्यूटर पर ध्वनि व चित्र, ऑडियो, वीडियो, शैक्षणिक खेल के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्था, इन्वर्टर, जनरेटर एवं कैंट आरओ के पेयजल की व्यवस्था, प्रबंधक मृदुला सिंह, सह प्रबंधक अभिषेक प्रताप राष्ट्रहित। लैपटॉप का जमाना है, बस्ते का वजन घटाना है, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।